नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 8 अगस्त, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना के तहत मिलते हैं इतने अनुदान। बेतिया कोर्ट ने मनीष कश्यप को बिहार में ही रखने का दिया निर्देश। फर्जी डिग्री पर बहाल शिक्षकों के मामले पर इस दिन होगी सुनवाई। जातीय गणना पर अगली सुनवाई होगी इस दिन। बिहार में एक्शन मोड में साइबर सेल। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप का मौका। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से ITI डिप्लोमा एवं डिग्री धारक उम्मीदवारों के लिए अप्रेंटिसशिप के कुल 647 रिक्त पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को पद के अनुसार संबंधित क्षेत्र ट्रेड में डिग्री, डिप्लोमा या ITI सर्टिफिकेट प्राप्त किया होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के ऑफिशियल पोर्टल portal.mhrdnats.gov.in एवं www.mhrdnats.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 अगस्त 2023 तक निर्धारित की गई है। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर आधिकारिक अधिसूचना अवश्य पढ़ लें। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना के तहत मिलते हैं इतने अनुदान। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक विभाग की ओर से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना के तहत अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास में अध्ययनरत आवासित छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करना है ताकि उच्च शिक्षा दर में वृद्धि हो और साथ ही पाठन कार्य के वित्तीय बोझ कम पड़े। बता दें कि इस योजना के तहत प्रति माह 1,000 रुपए देने का प्रावधान है। हालांकि इसके लिए कुछ पात्रता भी निर्धारित की गई है, जिसके तहत छात्र छात्राओं को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में विधिवत नामांकित एवं आवासित होना अनिवार्य है। इसके साथ ही बिहार राज्य का स्थायी निवासी और अल्पसंख्यक वर्ग से हो और संबंधित जिले में मान्यता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थानों में अध्ययनरत हो। इच्छुक छात्र छात्रा छात्रावास में प्रवेश हेतु जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी से संपर्क करें। वहीं ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पोर्टल https://ekalyan.bih.nic.in/mh-app/default.aspx पर विजिट करें। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-345-6123 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे डुंगेश्वरी गुफा के बारे में। प्राचीन डुंगेश्वरी गुफा मंदिर 12 किलोमीटर की दूरी पर गया के उत्तर पूर्व में स्थित है। इन गुफा मंदिरों को महाकाल गुफा मंदिरों के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान बौद्ध धर्म के लोगों के लिए उच्च श्रद्धा का धार्मिक स्थल है, क्योंकि उनका मानना है कि भगवान गौतम बुद्ध ने बोधगया जाने से पहले इन गुफाओं में ध्यान लगाया था। यह गुफाएं काफी जटिल प्रतीत होती हैं और बौद्ध प्रतिमा को प्रदर्शित करती हैं। इन गुफा मंदिरों के अस्तित्व के पीछे एक दिलचस्प कहानी है, जिसमें कहा गया है कि गौतम बुद्ध अपनी तपस्या के दौरान बेहद कमजोर और भूखे हो गए थे। उस समय पास के गांव की सुजाता नाम की महिला ने उन्हें जलपान कराया था। यह माना जाता है कि भगवान बुद्ध को यहीं से मध्यम मार्ग का ज्ञान प्राप्त हुआ था। दो छोटे मंदिर इस घटना की याद में यहाँ बनाए गए हैं। मूलतः यह हिंदू धर्म से जुड़ी गुफाएं हैं, जो हिंदू देवी डुंगेश्वरी नाम से विख्यात है। बेतिया कोर्ट ने मनीष कश्यप को बिहार में ही रखने का दिया निर्देश। बीते दिन तमिलनाडु पुलिस के द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच मनीष कश्यप को पूरे 130 दिनों के बाद बिहार लाया गया, ताकि मनीष कश्यप की पेशी बेतिया कोर्ट में की जा सके। वहीं कोर्ट में पेश होने के बाद मनीष कश्यप के तमिलनाडु जाने पर कोर्ट की ओर से फिलहाल रोक लगा दी गई है और उन्हें बिहार में रखने को कहा गया है। और साथ ही कोर्ट की ओर से मनीष कश्यप को बिहार की राजधानी पटना भेजने का निर्देश दिया गया, क्योंकि पटना में चल रहे एक मामले में मनीष कश्यप की पेशी होनी है। बता दें कि बीते दिन जब मनीष कश्यप बिहार पहुंचे तो उनके समर्थकों के द्वारा जमकर उनके नाम के नारेबाजी किए गए। वहीं उनका स्वागत फूलों की बारिश से की गई। हर सप्ताह होगी पंचायत समिति के कार्यों की समीक्षा। पंचायत राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मेहर कुमार सिंह के द्वारा सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा गया है कि अब हर सप्ताह प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी अपने ब्लॉक के किसी एक पंचायत में जाकर पंचायत समितियों द्वारा कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा करने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के द्वारा एक पंचायत में कम से कम 10 योजनाओं का निरीक्षण किया जाएगा। हालांकि क्षेत्र भ्रमण के लिए वाहन मुहैया कराने की जिम्मेदारी पंचायत राज विभाग के
अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह के द्वारा सभी डीएम को दी गई है, जो कि किराए पर रखा जाएगा। बता दें कि इस वाहन पर अधिकतम 40,000 मासिक तथा साल में 4.80 लाख रुपए तक ईंधन समेत खर्च करने की इजाजत दी गई है। वहीं किराए के इस वाहन का इस्तेमाल आपसी समन्वय पंचायत समिति की विभिन्न समितियों द्वारा भी किया जाएगा। फर्जी डिग्री पर बहाल शिक्षकों के मामले पर इस दिन होगी सुनवाई। बीते दिन पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा राज्य में बड़ी संख्या में फर्जी डिग्रियों के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की बहाली मामले को लेकर रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। बता दें कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 28 अगस्त 2023 को की जाएगी। मालूम हो कि इस मामले पर पिछले सुनवाई में राज्य सरकार व निगरानी विभाग के द्वारा हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया गया था कि कुल 77,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनका फोल्डर नहीं मिल रहा है, जिसके बाद कोर्ट की ओर से राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था कि वह एक समय सीमा निर्धारित करें जिसके अंतर्गत सभी शिक्षक अपना डिग्री व अन्य कागजात प्रस्तुत करें। वहीं वे शिक्षक जो अपना कागजात प्रस्तुत नहीं करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जातीय गणना पर अगली सुनवाई होगी इस दिन। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार में जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण के मामले में सुनवाई की गई, जिसमें कोर्ट की ओर से सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया और कहा गया कि जब 80% सर्वे का काम पूरा हो चुका है तो 90% पूरा होने पर भी क्या फर्क पड़ता है। वहीं अब इस मामले पर अगली सुनवाई 14 अगस्त 2023 को की जाएगी। बता दें कि कोर्ट में मामले से जुड़े कुछ और याचिकाकर्ता के द्वारा कहा गया कि उन लोगों ने भी पटना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। ऐसे में कोर्ट की ओर से सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने की सहमति जताते हुए सुनवाई के लिए अगली तारीख 14 अगस्त की निर्धारित की गई। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में पटना हाई कोर्ट के सर्वे जारी करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। रोहतास में इस दिन लगेगा नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला। अगर आप भी बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा बिहार के रोहतास के डालमिया नगर के संयुक्त श्रम भवन कैंपस में 9 अगस्त 2023 को नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार मेला के तहत तकनीकी एवं गैर तकनीकी क्षेत्र में योग्यता रखने वाले युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर है। बता दें कि रोजगार मेला जिला स्तरीय आयोजित किया जा रहा है, जिसका समय पूर्वाह्न 10:30 बजे से लेकर अपराह्न 4:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस रोजगार मेला में भाग लेने वाले इच्छुक अभ्यर्थी का सबसे पहले NCS पोर्टल http://ncs.gov.in पर अपना निबंधन कराना अनिवार्य है। इसके साथ ही निबंधन की व्यवस्था आयोजन स्थल पर भी उपलब्ध रहेगी। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिला नियोजन कार्यालय या मोबाइल नंबर 8825393806 पर संपर्क कर सकते हैं। जमुई की बिटिया 21,000 की ऊंची चोटी पर 15 अगस्त को फहराएगी तिरंगा। बिहार के जमुई की 23 साल की बेटी पर्वतारोही अनीशा दुबे लद्दाख के DZO-JANGO के 21,000 की ऊंची चोटी पर चढ़ाई कर 15 अगस्त को तिरंगा फहराने वाली है। बता दें कि इस कार्य को करने के लिए अनीशा दुबे 6 अगस्त की रात को निकल चुकी हैं। वहीं अपने इस यात्रा को लेकर अनीशा दुबे के द्वारा दैनिक भास्कर के साथ हुए साक्षात्कार में यह बताया गया है कि वह इसकी शुरुआत 10 अगस्त से करेंगी और 15 अगस्त को तिरंगा फहराएंगी। उन्होंने बताया कि उन्हें यह प्रेरणा अरुणिमा सिन्हा पर्वतारोही से मिली है, जिन्होंने दिव्यांग होते हुए माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर तिरंगा फहराया था। वहीं वह कहती हैं कि वह DZO-JANGO के 21,000 की ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराने के बाद रूस जाना चाहती हैं। इस चढ़ाई के दौरान उनके साथ उनके टीम मेंबर भी मौजूद होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनीशा दुबे इससे पहले भी वर्ष 2021 में हिमाचल प्रदेश के पतालसू के 14,000 फीट और वर्ष 2022 के सितंबर महीने में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप के 18,000 फीट पर देश का तिरंगा लहरा चुकी हैं। सीएम नीतीश ने जनता दरबार में विभिन्न विभागों से जुड़ी सुनी 72 समस्याएं। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जनता दरबार आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने विभिन्न विभागों से जुड़े विभिन्न तरह के कुल 72 मामले सुने। इस दौरान सबसे अधिक मामले जमीन पर अवैध कब्जा को लेकर सुनने को मिले। नालंदा से आए एक फरियादी ने बताया कि एक ही जमीन की 5 जमाबंदी कर दी गई है, जिसे सुन सीएम नीतीश हैरान रह गए। भागलपुर से आए एक फरियादी ने बताया कि उसने एक जमीन खरीदी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वह जमीन उसका नहीं है। सुपौल से आए एक फरियादी ने बताया कि उसकी जमीन की रजिस्ट्री फर्जी लोगों ने करा दी। गोपालगंज से आए एक
फरियादी ने बताया कि ऑर्केस्ट्रा का विरोध करने पर एक शख्स की हत्या कर दी गई थी, लेकिन अब तक 3 साल हो चुके हैं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जहानाबाद से आई एक शिकायतकर्ता ने बताया कि हाईवे में उसकी मकान और जमीन चली गई, लेकिन अब तक उसे उसका मुआवजा नहीं मिला। सिवान से आए एक व्यक्ति ने बताया कि जेपी आंदोलन के दौरान बक्सर जेल में बंद होने के बावजूद आज तक उसे जेपी सेनानी पेंशन नहीं मिली है। पूर्वी चंपारण से आए एक फरियादी ने बताया कि उसे सेना के द्वारा जमीन दी गई थी, लेकिन ना तो उसकी बंदोबस्ती की गई और ना उसका दखल दिलाया गया। इसके साथ ही सीएम नीतीश ने कई शिकायतें सुनी और सभी समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने का निर्देश संबंधित विभाग को दिया। बिहार में एक्शन मोड में साइबर सेल। बिहार में साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए साइबर सेल पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। इसके लिए बिहार साइबर सेल पोर्टल द्वारा बिहार दिवस के अवसर पर एक हेल्पलाइन नंबर 1930 भी जारी किया गया था। बता दें कि इस बारे में बिहार एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि साइबर अपराध के खिलाफ जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, उस पर अब तक मिली शिकायतों के बाद कुल 15,61,00,000 से ज्यादा की राशि को विभिन्न बैंकों में होल्ड कर दिया गया है, जो नियमानुकूल पीड़ितों को वापसी कराने की प्रक्रिया में कार्य जारी है। 26 फरवरी से पूर्व साइबर सेल द्वारा 4,93,00,000 से ज्यादा की राशि को बैंकों में होल्ड करवाया गया है। इस प्रकार से अब तक कुल 20,55,53,000 से ज्यादा पीड़ितों से ठगी की राशि को साइबर अपराधियों तक पहुंचने से पहले बैंकों में अकाउंट को फ्रीज कराकर रोक दिया गया। वहीं 962 FIR विभिन्न साइबर थानों में मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि NRP पोर्टल पर 4,000 फ्रॉड करने वाले मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करवाया गया है। योजना के अंतर्गत पात्र चरण दिव्यांगजनों को निःशुल्क मिल रही बैटरी चालित ट्राई साइकिल। मुख्यमंत्री दिव्यांग जन सशक्तिकरण छात्र योजना के अंतर्गत पात्र चरण दिव्यांगजनों को बैटरी चालित ट्राई साइकिल निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि इसके लिए पात्रता भी निर्धारित की गई है, जिसके तहत चलन दिव्यांगजन छात्र छात्राएं जिनका आवासन बिहार राज्य स्थित महाविद्यालय विश्वविद्यालय परिसर से 3 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर हो, अथवा वैसे चलन दिव्यांगजन जो स्वावलंबन के उद्देश्य से बिहार राज्य में अपना रोजगार करते हो और परिवार के कमाऊ सदस्य हो तथा उनके आवास से उनका रोजगार स्थल 3 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर हो और साथ ही उनकी दिव्यांगता न्यूनतम 60% हो, आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और साथ ही उनकी अधिकतम आय 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और साथ ही उनकी अधिकतम आय प्रति वर्ष 2,00,000 रुपए होने चाहिए। इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए सहायक निदेशक जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण कोषांग अथवा प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क करें। वहीं इस योजना का लाभ लेने के लिए वेबसाइट https://online.bih.nic.in/swf/swftc/register.aspx या टोल फ्री नंबर 1800-345-6262 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार में बनेगी 5,750 नई दुग्ध समितियां। राज्य में दूध उत्पादन और संग्रह को बढ़ाया जा सके, इसके लिए राज्य में 5,750 नई दुग्ध समितियां गठित की जाने वाली हैं। इसके लिए गांवों के सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि पहले उन गांवों में समितियां गठित की जाएंगी जहां सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चौथे कृषि रोड मैप के तहत राज्य सरकार की ओर से समितियों की संख्या बढ़ाकर 33,565 करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऐसे में तीसरे रोड मैप के पूर्ण होने तक राज्य में 27,816 समितियों का निर्माण हो चुका है और अब अगले 5 सालों में यानी कि वर्ष 2028 तक राज्य में 5,750 नई समितियों का गठन किया जाएगा। वहीं इसके बाद इन समितियों के जरिए ही दुग्ध संग्रहण इकाइयों की स्थापना की जाएगी। मालूम हो कि चौथे कृषि रोड मैप में समितियों के गठन के लिए करीब 65,000 पशुपालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जल्द बैंकों में लागू हो सकता है 2 दिन छुट्टी का फॉर्मूला। बहुत जल्द ही बैंक के कर्मचारियों को 2 दिन की छुट्टी का तोहफा मिल सकता है। बता दें कि वित्त विभाग में 5 दिन कार्य दिवस का प्रपोजल पहुंच चुका है। अब जैसे ही इस प्रपोजल पर मंत्रालय की मंजूरी मिलती है, इसे जल्द से जल्द लागू कर दिया जाएगा। मालूम हो कि इसको लेकर मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार मंत्रालय के साथ कुछ अनौपचारिक बातचीत से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार को बैंकर्स यूनियन के इस अनुरोध का स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं हो सकती है। हालांकि 5 कार्य दिवस का फॉर्मूला लागू होने से बैंकिंग आवर बढ़ जाएंगे, यानी कि अगर यह लागू होता है तो बैंक का समय सुबह 9:45 बजे से शाम 5:30 बजे तक बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि बैंक कर्मचारियों को रोज 40 मिनट अतिरिक्त काम करना होगा। दक्षिण बिहार के इन 11 जिलों में 50% से कम रोपनी।
राज्य में पिछले कुछ दिनों से हो रही छिटपुट बारिश से किसानों को थोड़ी राहत मिली है और धान की रोपनी में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि अभी दक्षिण बिहार के 11 ऐसे जिले हैं जहां कम बारिश होने, नहरों के सूखने और जलस्तर के नीचे जाने के कारण धान की रोपनी में गति नहीं पकड़ पाई है और इन 11 जिलों में 50% से भी कम रोपनी हुई है। बता दें कि जिन 11 जिलों में ऐसी स्थिति बनी हुई है उनमें बांका में 12%, मुंगेर में 12%, जमुई में 13%, नवादा में 22%, गया में 24%, लखीसराय में 29%, भागलपुर में 30%, शेखपुरा में 36%, जहानाबाद में 37%, नालंदा में 37% और औरंगाबाद में 45% धान की रोपनी हुई है। हालांकि कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां की स्थिति काफी अच्छी है, जिनमें अररिया, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर के नाम शामिल हैं। बिहार की दूसरी महिला ऑर्बिटर बनी यह महिला। बिहार के भागलपुर निवासी पिंकी बनर्जी बिहार की दूसरी महिला ऑर्बिटर यानी कि शतरंज खेल में मुख्य भूमिका निभाने वाली रेफरी बन गई है। बता दें इस बात की जानकारी तब सामने आई जब विश्व शतरंज महासंघ द्वारा सूची जारी कर यह घोषणा की गई। बता दें कि जारी किए गए सूची में पिंकी बनर्जी को फीडे ऑर्बिटर बनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिंकी बनर्जी शतरंज संघ की उपाध्यक्ष भी हैं और इन्होंने वर्ष 2018 में नेशनल ऑर्बिटर की उपाधि प्राप्त की थी। इस दौरान उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में मुख्य ऑर्बिटर की भूमिका निभाई है। मालूम हो कि पिंकी बनर्जी ने बेटे को देखकर चेस सीखा और आज वो फीडे ऑर्बिटर बन गई हैं। कोरोना काल के दौरान इन्होंने ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है। वहीं अब उनके इस उपलब्धि पर उनके परिवार में खुशी का माहौल है। राज्य के कई जिलों में बारिश के आसार। बिहार में अब मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से बारिश हो रही है उससे तापमान में कमी देखने को मिली है। मौसम विभाग ने बताया है कि 9 अगस्त तक प्रदेश में बारिश होने की पूरी संभावना है। राजधानी पटना और उसके आसपास के जिलों में सोमवार को लगभग दिन भर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार देश में 8 अगस्त से 9 अगस्त तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। 8 अगस्त को लेकर जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के अधिकांश जिलों में 1 से 2 स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना है। साथ ही सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, कटिहार एवं पूर्णिया जिलों में 1 से 2 स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं किशनगंज, पश्चिम चंपारण, सारण, गोपालगंज एवं वैशाली जिलों में 1 से 2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जबकि 9 अगस्त को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में 1 या 2 स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना है। गया, नवादा एवं नालंदा जिलों में 1 से 2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मिड डे मील योजना में डाटा एंट्री ऑपरेटर की होगी बहाली। बिहार सरकार की ओर से मिड डे मील को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है ताकि इसकी गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके और साथ ही इसका संचालन बेहतर ढंग से किया जा सके। दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से यह फैसला लिया गया है कि मिड डे मील योजना में डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली की जाएगी। मालूम हो कि इस संबंध में विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा पहले ही घोषणा कर दी गई थी, लेकिन अब कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इस बारे में योजना के निदेशक मिथिलेश मिश्रा के द्वारा बताया गया कि मिड डे मील के लिए जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की जाएगी उन्हें मानदेय के रूप में 16,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए 9 से 12 अगस्त तक परीक्षा और इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि इनकी तैनाती राज्य के सभी प्रखंडों में की जाएगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे राहुल वरुण के बारे में। राहुल वरुण एक भारतीय उद्यमी, बॉलीवुड पत्रकार और अभिनेता हैं। उन्हें 2020 की हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म पगलियाजम में मोहित मल्होत्रा की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। वह मुंबई स्थित समाचार एजेंसी द फिल्मी चर्चा के संस्थापक हैं। वह मुंबई में बॉलीवुड समाचार एजेंसी द फिल्मी चर्चा के संस्थापक और CEO हैं। द फिल्मी चर्चा चलाने के अलावा राहुल ने मुंबई में एक जनसंपर्क फर्म RV राइजिंग एंटरटेनमेंट की भी स्थापना की। अब उन्होंने अपना पेशा अभिनेता से बदलकर पत्रकार बना लिया है और पत्रकारिता के क्षेत्र में बॉलीवुड इंडस्ट्री में अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। हाल ही में राहुल वरुण को मुंबई के बॉलीवुड निर्देशक और फिल्म निर्माता डॉक्टर कृष्णा चौहान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। अब राहुल वरुण प्रमुख मनोरंजन पत्रकार के रूप में फिल्म उद्योग में एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। IRCTC मामले में अब 16 अगस्त को अगली सुनवाई। बीते दिन IRCTC मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई की गई, जिसमें आरोपियों की ओर से चार्ज फ्रेम करने पर बहस हुई। वहीं अब इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 16 अगस्त को निर्धारित की गई है। मालूम हो कि पिछले सुनवाई में राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के वकील की ओर से कहा गया था कि CBI की ओर से ऐसी कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि लालू प्रसाद यादव ने ही टेंडर दिलाने के मामले में किसी का पक्ष लिया हो। CBI को हाई प्रोफाइल केस में सबूतों के साथ कोर्ट में पेश होना चाहिए। सिर्फ हवाई बातों पर चार्ज
फ्रेम करने की मांग नहीं की जा सकती। वहीं इस पर सीबीआई के वकील के द्वारा कहा गया था कि यह पूरा मामला उस समय का है जब देश के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे। उस समय रेलवे बोर्ड ने देश के सभी होटलों और ट्रेनों में कैटरिंग सेवा IRCTC को सौंप दिया था। इसी दौरान रांची और उड़ीसा के होटलों को टेंडर में गड़बड़ी का मामला सामने आया था। विश्व कप ट्रॉफी जीतने को लेकर रोहित शर्मा का बयान आया सामने। भारत की मेजबानी में पहली बार विश्व कप 2023 का आयोजन होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट का आगाज 5 अक्टूबर से होना है, जिसका फाइनल मैच 19 नवंबर को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट की तैयारियां ICC ने जोरों शोरों से शुरू कर दी है। इसी बीच बारबाडोस में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा ट्रॉफी के साथ एक तस्वीर खिंचवाते हुए ICC से खास बातचीत करते हुए कहा गया कि उन्हें उम्मीद है कि भारत के हर मैदान पर भारी मात्रा में फैंस उन्हें सपोर्ट करने के लिए पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि हर मैदान, हर वेन्यू जहां हम मैच खेलने जाएंगे, वहां हमारे सपोर्टर्स नजर आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये विश्व कप है और हर किसी की निगाहें इस पर टिकी हुई है और 12 साल बाद भारत के पास इतिहास दोहराने का अच्छा मौका है। आप सब जानते हैं कि साल 2011 में आखिरी बार हमने 50 ओवर फॉर्मेट में विश्व कप खेला था। इस टूर्नामेंट के लिए फैंस काफी उत्साहित है। मैं हर मैदान पर खेल खेलना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हर दिन एक नई शुरुआत होती है। ये कोई टेस्ट क्रिकेट की तरह नहीं है जहां आपको अपने साथ मोमेंटम रखना पड़ता है और अगले दिन उस लय में खेलना पड़ता है। वनडे क्रिकेट में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और हमें हर दिन एक अच्छी और फ्रेश शुरुआत के साथ शुरू करना चाहिए। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1942 में मुंबई सत्र में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। आजादी के बाद पहली बार केंद्र सरकार को 1967 में लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 23वीं श्रावण 2010 को म्यूनिख में आयोजित विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता के 50 मीटर के स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। शास्त्रीय संगीत गायिका सिद्धेश्वरी देवी का जन्म 1908 में हुआ। भारतीय लेखक भीष्म साहनी का जन्म 1915 में हुआ। भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिक वुलिमिरी रामालिंगा स्वामी का जन्म 1921 में हुआ। भारतीय क्रिकेटर दिलीप सरदेसाई का जन्म 1940 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ कपिल सिब्बल का जन्म 1948 में हुआ। 12वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य प्रसन्न आचार्य का जन्म 1949 में हुआ। भारतीय क्रिकेटर सुधाकर राव का जन्म 1952 में हुआ। भारतीय क्रिकेटर अभय कुड़ीवाला का जन्म 1968 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1968-1969 में अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा का निधन 2000 में हुआ। वेलकम, आज हम बात करेंगे आयकर रिफंड के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं। ऐसी क्रम में आज हम बात करेंगे आयकर रिफंड के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक वायरल संदेश में दावा किया गया है कि प्राप्तकर्ता को 15,490 रुपए के आयकर रिफंड को मंजूरी दे दी गई है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है, इनकम टैक्स ने यह संदेश नहीं भेजा है। ऐसे घोटाले से सावधान रहें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी को किसी के साथ साझा न करें। व्हाट्सएप में ग्रुप मेंबर्स को जल्द मिलेगी एक नई सुविधा। आप सभी किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ऐड होंगे। जल्द आपको एक नया अधिकार मिलने वाला है। दरअसल व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है जो ग्रुप मेंबर्स को मैसेज को रिपोर्ट करने की शक्ति देता है। आप मैसेज को एडमिन रिव्यू के लिए भेज सकते हैं। यदि ग्रुप एडमिन को लगता है कि मैसेज गलत या हेटफुल है तो वह उसे हटा सकता है या ग्रुप मेंबर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। फिलहाल इस फीचर पर काम चल रहा है, जिसकी जानकारी व्हाट्सएप के डेवलपमेंट पर नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट WABETA INFO ने शेयर की है। वेबसाइट के मुताबिक व्हाट्सएप का ये फीचर ग्रुप मेंबर्स को उनके ग्रुप्स को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करेगा। फिलहाल ये फीचर व्हाट्सएप बीटा के 2.23.16.18 वर्जन में मौजूद है, जिसे कंपनी आने वाले समय में रोल आउट कर सकती है। ध्यान दें, सेंड फॉर एडमिन रिव्यू फीचर ग्रुप्स मेंबर को तभी दिखेगा जब ग्रुप एडमिन ने इसे ग्रुप के लिए ऑन किया हो। व्हाट्सएप का ये फीचर ग्रुप्स के अंदर होने वाली बातचीत को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाएगा। साथ ही एडमिन को भी ग्रुप में नजर बनाए रखने में मदद करेगा, खासकर तब जब एडमिन ग्रुप में एक्टिव ना हो। CBSE ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को लेकर दिया निर्देश। CBSE के द्वारा सभी स्कूलों को सलाह देते हुए कहा गया है कि शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं में छात्रों के रजिस्ट्रेशन और कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए उम्मीदवारों की सूची जमा करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरुआत की जाने वाली है। इसलिए स्कूल रजिस्ट्रेशन और उम्मीदवारों की सूची से संबंधित सभी एक्टिविटी को पूरा कर लिया जाए ताकि इस कार्य को जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। दरअसल कई बार ऐसा देखा गया है कि स्कूलों की ओर से कैंडिडेट्स को उम्मीदवारों की सूची में रजिस्टर या एंटर नहीं किया जाता है और निर्धारित समय से पढ़े छात्रों को स्वीकार करने के लिए विभिन्न बहाने दिए जाते हैं और फिर स्कूल छात्रों का हवाला देते हुए तिथि बढ़ाने की मांग करते हैं, जिससे परीक्षाओं के संचालन और परिणामों की घोषणा से संबंधित बात की एक्टिविटी को खतरे में डालता है और बाधित करता है।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में किस सम्मेलन में भाग लेंगे? ऑप्शन ए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ऑप्शन सी विश्व हिंदी सम्मेलन, ऑप्शन डी विश्व विरासत सम्मेलन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। अगला सवाल, हाल ही में तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने क्या जीता है? ऑप्शन ए कांस्य, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी सिल्वर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोल्ड। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य में पहले गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल, गुप्त काल के किस राजा ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए रामगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम। अगला सवाल, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी बिहार शरीफ, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी वैशाली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिहार शरीफ। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों में जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कमलेश शर्मा, सरदेन्दु पटेल, विकास दास, सुदुल्लाह पलवी, नन्नू गोलू कुमार, अमरदीप, उदय कुमार पासवान, रविशंकर, मंटू कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, विजेंद्र सिंह, उमेश सिद्धेव, राजीव कुमार, अंकित, पीके पासवान, राबिया बासरी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में आपके अनुसार बिहार सरकार की ओर से सबसे बड़ा विकास कार्य क्या किया गया है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।